ट्रक ड्राइवरों की देशव्यापी हड़ताल का सीधा असर पेट्रोल पंप पर दिखाई दे रहा है। लंबी कतारें पेट्रोल खरीदने के लिए टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स चालकों की आप देख सकते हैं। नागपुर के रिजर्व बैंक चौराहे पर पेट्रोल पंप पर ये लंबी कतार आपको दिख रही है। अभी थोड़ी देर पहले तक ये कतार सड़क के भी पार थी, कल रात से ये नज़ारे दिख रहे हैं। उस तरफ फोर व्हीलर्स की कतार है लंबी और इस तरफ टू व्हीलर्स की। हम बात करने की कोशिश करते हैं कुछ यहाँ जो बायर्स हैं टू व्हीलर चालक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक वाघ है। अच्छा दीपक जी, क्या करते हैं? मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। अरे वाह, आप टैक्सी चलाते हैं, आपकी टैक्सी में पेट्रोल है पर्याप्त? नहीं, अभी तो उसमें नहीं है, पर अभी मेरा बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है कि मैं इसमें बाइक से पहले पेट्रोल डालूंगा, फिर ऑफिस जाके गाड़ी उठा के फिर उसमें डालने जाने वाला हूँ। अच्छा दीपक जी, ये बताइए कि इतनी सब गड़बड़ क्यों चल रही है, इतनी हड़बड़ी क्यों हो रही है? ये सब ट्रक ड्राइवर की वजह से हो हड़ताल। अच्छा, तो ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के वजह से लोग पैनिक बाइंग के मोड में हैं। लोगों को लग रहा है कि कहीं पेट्रोल पंप पर स्टॉक खत्म न हो जाए। मैं बताता चलूं कि यहाँ पर कुछ पेट्रोल पंप पर पहले से ही स्टॉक खत्म हो गया है, नो स्टॉक का बोर्ड लग गया है। यहाँ हमने बात करी तो बताया गया कि हालांकि फिलहाल पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन इस तरह से भीड़ उमड़ती रही तो शायद शाम तक यहाँ भी बोर्ड लग जाए। नागपुर से संजय तिवारी, डिजिटल इंडिया।